हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे हमारे कैंपिंग गियर्स के बारे में। और हाईलाइट देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। आपको मैं बेस्ट प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं जो कि मैं अपनी लद्दाख राइड के दौरान यूज करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है मेरा टेंट। अब आज हम बात करेंगे, पहले शुरुआत करूंगा मैं टेंट से, कैंपिंग टेंट से शुरुआत करते हैं। क्योंकि देखिए लद्दाख राइड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टेंट। तो ये मेरा जो टेंट है ये 4 पर्सन का टेंट है। इसमें 4 बंदे एक टेंट में सो सकते हैं बहुत आराम से, काफी स्पेस होता है और इसको लगाना भी बहुत आसान है और बहुत लाइट वेट है। ये अराउंड 1.5 किलो के करीब है, 1.5 kg। तो एक तो ये हम लद्दाख राइड में यूज करते हैं। तो मैं खोल के नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा है। तो बट इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। देखिए इस टेंट की होती है स्टिक्स, जो कि ये टेंट के ये स्टिक्स 2 पार्ट में होती है, एक पार्ट अलग होता है एक पार्ट अलग होता है। तो ये दोनों क्रॉस ओवर लगती है लाइक दिस, ऐसे लाइक ऐसे लगता है। और जो ये टेंट है इसके बीच में से एक स्ट्रिप डालनी होती है, एक इधर से क्रॉस में और एक इधर से क्रॉस में। तो ये टेंट लग जाता है 4 पर्सन के लिए, बहुत ही स्पेसियस है। तो इसको मैं कर देता हूँ साइड में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा। तो दोस्तों ये मेरा टैंक बैग है और 15 लीटर का है। ये है तो ट्रू राइडर का और बहुत ही अच्छा है। तो इसको भी मैं अपने लद्दाख राइड में यूज करता हूँ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट रखने के लिए, जैसे पर्स हो गया, मनी हो गया, पैसा हो गया और काफी चीजें हैं, खाने के आइटम, ड्राई फ्रूट्स भी रखता हूँ कि ताकि इजी रहता है कैरी करने के लिए, मैं सामने से लेके खा सकता हूँ। एक चीज आपको बताना भूल गया, इसमें वाटर प्रूफ केस भी है, अपना मोबाइल रख के आप यहीं से इसे यूज भी कर लेते हैं। तो ये भी है। बाकी अब सेकेंड चीज दिखाता हूँ दोस्तों, ये है मेरा सैडल बैग, गार्डियन गियर्स के हैं ये। एक तो मेरा 35 लीटर का है, 35 लीटर ईच है, 35 35, टोटल ये हो गया मेरा 70 लीटर का। तो इसमें भी मेरा काफी सामान आ जाता है, ऊपर से मैं यहाँ पर भी यूज करता हूँ, यूटिलाइज हो जाता है इसी स्पेस का भी, क्योंकि जब मेरा बैग पूरा टच हो जाता है, भर जाता है, तो मैं ऊपर भी यूज करता हूँ। एक पॉकेट इसकी ये है, ये भी कम से कम इसमें 5 लीटर की है, तो काफी अच्छा सामान इसके अंदर भी कैरी करता हूं मैं। प्लस एक ये मैं ज्यादातर यहाँ पे बॉटल यूज करता हूँ, पानी की बॉटल हो गया तो उनके लिए यूज करता हूँ। पिछली राइड में इस बैग ने मेरा बहुत सपोर्ट करा, वाटर प्रूफ। हाँ मैं वाटर प्रूफ बता रहा हूँ, ये सिर्फ 70% ही वाटर प्रूफ है, बाकी 30% में पानी आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो काफी पॉली बैग में यूज करता हूँ इसके, राइड के दौरान मैं पॉली बैग के अंदर ही सामान रखता हूँ या तो उसको कवर कर लेता हूं। तो दोस्तों एक तो ये हो गया, दूसरा नी गार्ड। मैं स्काइको के नी गार्ड यूज करता हूँ। स्काइको सबसे बेस्ट है आपके जैसे प्रो राइडर के हैं, तो उससे थोड़ा इसकी क्वालिटी बेहतर है। तो मैं ये भी आपको खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ और जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा डीप नहीं दिखा सकता हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे, बोलोगे यार बहुत लंबा हो गया। तो ये मैं पिछली राइड में यूज करा था, तो काफी घिसा हुआ है, काफी सपोर्ट इसने मेरा सेफ्टी करी थी, एक दो जगह में घुटने लगे थे मेरे, तो इसकी वजह से मैं बच गया था। तो ये बहुत काफी है और ये इजिली मूव होता है इसमें पैर, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको भी अब हम डालते हैं साइड में। फाइनली दोस्तों ये है हमारा स्लीपिंग मैट्रेस, ये वितरक का है। आपको अगर वीडियो में अगर आपको कुछ भी किसी का भी प्राइस जानना है और कोई भी अगर आपको आइटम के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके प्राइस और कहां से ये आप ले सकते हो बेस्ट प्राइस में, मैं उसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा विद प्राइस। और बहुत ही हल्का है ये, अराउंड 1/2 kg का है, 1/2 kg भी नहीं होगा दोस्तों, ये अराउंड 400 ग्राम का ही इसका वजन है, पर इसकी जो मोटाई है वो कम से कम 4 mm की है, तो काफी होता है, 4 से 5 mm की है, तो काफी अच्छा है।
और काफी इसमें आरामदायक है, मैंने यूज करा है। तो दोस्तों अब शुरू करता हूँ मेरा लास्ट स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग मेरा ये -15 डिग्री सेल्सियस तक बहुत ही यूजफुल है। 15 के अबाव ये थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम देता है। तो ये है 4 लेयर का। आप बोलते हो कि 4 लेयर, 2 लेयर और 6 लेयर। लेयर कुछ नहीं होती, एक तरह का बस वो वहम है कि लेयर है। बस इसके अंदर जो लेयर होती है वो कहने के लिए होती है, क्योंकि ये कंबल का काम करती है। तो इसके अंदर वॉशेबल है, वो आप रिमूव कर सकते हो। और अगर आपको 15 से ऊपर टेम्परेचर है, -15 के ऊपर है, तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा कोई कंबल कैरी कर सकते हो। तो मैं कैरी करता हूँ, इसके साथ भी मैं एक्स्ट्रा इस कंबल कैरी करता हूँ, क्योंकि मेरे को यूज करनी हो तो मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज इससे काम चल जाता है। और ये है, इसका वेट कम से कम 2 किलो का है, और ये भी विक्रांत का है। बाकी इसका भी आपका प्राइस और कहाँ से लिया है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ रेन लाइनर। मेरे पास 2 रेन लाइनर है, एक राइनोक्स का है और एक लोकल, लोकल ब्रांड नहीं बोलेंगे, है ये भी ब्रांडेड है, बट राइनोक्स कंपनी है। राइनोक्स सिर्फ ऊपर का देता है, नीचे का थोड़ा महंगा कॉस्टली पड़ता है। और ये मेरे को पड़ा है 1200 रुपए का। इसका प्राइस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इजीली मार्केट में भी मिल जाता है, तो ये कोई राइडर का नहीं है, बट हाँ हर कोई इसको यूज कर सकता है। तो ये काफी सही है प्रोडक्ट, मैंने यूज नहीं करा, ये फर्स्ट टाइम यूज करूंगा, क्योंकि अभी मैंने नया ही लिया है इस राइड के दौरान। क्योंकि पिछली बार मेरा जो था वो खो गया था या फट गया था, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो इसलिए मैंने नया लिया है। और ये भी काफी सही है, अपना साइज के हिसाब से आप ले सकते हो। कहाँ से लिया है इसका भी मैं आपके बारे में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं, ये मेरा बाइक का टॉप बॉक्स थोड़ा सजा हुआ है, तो ये मेरा टॉप बॉक्स है, 45 लीटर का है। मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको एक बार जल्दी जल्दी। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों आ गया है मेरा सारा सामान, मेरा स्टोव। ये स्टोव है जो मैं यूज करता हूँ अपने कैंपिंग के दौरान खाना बनाने के लिए। ये बहुत ही इजी है इसे यूज करना। ये देखिए दोस्तों, इसके पीछे ये स्टैंड है, आप किसी भी सरफेस में आप इसको टिका सकते हो, ये आराम से ये काम करता है। और ये है इसका गैस ब्रूटोन लगने का, ये है ब्रूटोन सिलेंडर जो हम यूज करते हैं अपनी कैंपेनिंग के दौरान। तो ये देखिए, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ लगाया और ये है इसका ब्रूटोन। हम ब्रूटोन को यूज करते हैं ऐसे लाइक ऐसे। तो अब दिखाता हूं मैं आपको इंजन ऑयल। हमेशा आप जब भी लद्दाख राइड पे जाए तो अपने साथ एक इंजन ऑयल जरूर रखें। मैं यूज करता हूं मोटिल का 7100, जो कि है 10W50, सॉरी मैं भी भूल गया था, ये फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। 10W50 यूज करता हूँ, 40 भी आता है, 30 भी आता है और 20W50 भी आता है। तो उसकी कई कई अलग अलग क्वालिटी का है, पर ये फुल्ली सिंथेटिक है और पूरा रिलायबल है। मॉड्यूल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो मैं ये 1 लीटर है और ये 1 लीटर, मैं 2 लीटर अपने साथ हमेशा कैरी करता हूँ, इन इन केस कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो आप यूज कर सकते हो। तो मैं 2 इंजन ऑयल हमेशा अपने साथ लेके जाता हूँ। तो स्टोव मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। अभी है ये ल्यूब, चैन ल्यूब सबसे मस्त है। अगर आप लद्दाख में जा रहे हो तो चैन ल्यूब आपको ले जाना है। ये भी मैं मोटोमैक्स का यूज करता हूँ, चैन ल्यूब इसीलिए क्योंकि वहां धूल मिट्टी होती है तो चैन ड्राई हो जाती है। तो उसको ये, और साथ में WD-40, ये इसीलिए क्लीनिंग के काम आती है। चैन को आप जब भी ल्यूब करना चाहें तो उससे पहले आप थोड़ा सा WD-40 मार दे, वो क्लीनिंग हो जाएगी, और उसके बाद ल्यूब कर दे तो आप आराम से लद्दाख राइड में आपकी चैन स्मूथली काम करेगी। अब नेक्स्ट दिखाता हूँ दोस्तों टूल किट। मेरे पे आर्चर की एक टूल किट है और एक लोकल टूल किट है, बहुत ही सुंदर है। मैं ये दिखाता हूँ टूल किट, बहुत बार मैं यूज कर चुका हूँ। ये देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर्स का सेट है, देखिए इसमें सारे आपको मिल जाएंगे। उसमें काफी नट बोल्ट भी मैं रखता हूँ, दिख रहा है आपको दोस्तों। तो मैं इसको यूज करता हूँ, ये हर साल मेरे काम आता है। अब और साथ में आप कुछ नट बोल्ट और लेके चलते हो। ये देखिए दोस्तों, ये है एलन की। एलन की मैं अलग अलग, हर जितनी भी मेरी गाड़ी में एसेसरीज है बाइक में, उसके हिसाब से सारी एलन की मैं ही यूज लेके जाता हूँ, पूरा सेट नहीं लेके जाता हूँ क्योंकि वो यूजलेस हो जाता है। तो जो जो मेरी गाड़ी में यूज होती है वैसे मैं वही एलन की अपने साथ कैरी करता हूँ। और सबसे लास्ट चीज,
अब आप समझ गए होंगे क्या है पंप, एयर पंप। आपको एयर पंप की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पे आपको हवा भरने वाला कोई नहीं मिलेगा पहली बात, तो आपके पास अपना पंप होना जरूरी है। ये वहां पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना ही कोई आपकी मदद के लिए आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसमें आपका मीटर है, कितने पौंड हवा भर रही है वो आप आराम से इसमें देख सकते हो। और ये बहुत इजी टू कैरी है, इसको यहाँ पर ऐसे आप रखेंगे और ये लगाएंगे, आप दो नोजल मिलती है, अपनी बाइक पे लगाइए और यहाँ से पैर से, इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, और ये पैर से ही आप ऐसे करके एयर भर सकते हैं, क्योंकि वहां इतनी सांस फूलती है, ऑक्सीजन की कमी है, तो आप हाथ से तो पंप कर ही नहीं सकते, तो वहां पैर वाला। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये इजी कैरी है, इसका वेट भी कम से कम आधा किलो के करीब है, बहुत हल्का है पर बहुत ही जरूरी चीज है। दोस्तों अभी पंप की बात मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे जरूरी पंप सबसे जरूरी था, अब उसके बाद ये पंचर किट। ये देखिए दोस्तों, मैं हर बार यूज करता हूँ अपने साथ पंचर किट। ये देखिए पंचर किट की मैं एक पैक लेके जाता हूँ, ज्यादा मेरे को यूज नहीं, क्योंकि टायर हमेशा मेरा नया रहता है। ये सॉल्यूशन है, ये प्लायर है और ये कटर है। तो आपका कभी भी गाड़ी में पंचर होता है तो आप अपना पंप से हवा भर सकते हैं, पंचर आप इंस्टेंट कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो पंचर किट और पंप, एयर पंप आपके पास बहुत जरूरी है, तो क्योंकि वहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए आपके पास ही सारी एसेसरीज होनी चाहिए। और अगर आपका ट्यूबलेस टायर नहीं है और अगर आपके पास नॉर्मल ट्यूब वाला टायर है तो भी आपको पंचर के उसके पैचेस आते हैं, आप वो लेके जाइए। और कुछ अपने नट बोल्ट के जो भी पीछे के टायर के जो नट हैं उनको खोलने के लिए दो पाने आप रख सकते हो अपने साथ। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं टॉर्च, वहां पर आप इसको टॉर्च भी बोल सकते हो, टेंट लाइट भी बोल सकते हो, क्योंकि मेरा ये टॉर्च है, छोटा है पर बहुत ही इफेक्टिव है। ये देखिए ये यहाँ से टेंट लाइट बन जाता है और यहाँ से ये टॉर्च बन जाता है। इसका फोकस आप एक्सटेंड भी कर सकते हो और लार्ज भी। ये क्या है, ऐसे आप करोगे तो ये एक बड़ा फोकस में चले जाएगा और आप अंदर कर दोगे तो ये छोटे फोकस में आ जाएगा और बहुत ज्यादा हाई पावर है। अब मैं आपको थोड़ा सा जला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका रोशनी, ये देखिए ये इसकी रोशनी है, और ये फोकस करूंगा मैं, ये देखिए छोटा हो गया, ये देखिए, और ये करा तो ये बड़ा हो गया। और जब ये अभी तो यहाँ रोशनी है तो इस वजह से आपको कम दिख रहा है, पर ये बहुत तेज है, सामने वाले को अंधा करने के लिए भी काफी है। और ये है इसका फ्लैशिंग बीम, ये देखिए दोस्तों ये फ्लैशिंग है, और ये है हमारा टेंट लाइट, ये टेंट लाइट है, और ये आराम से आप चार्ज कर सकते हो, जो पहले के यूएसबी मिनी चार्जर आते थे आप उससे इसको चार्ज कर सकते हैं, इसका बैटरी बैकअप 8 घंटे का है। ये है मेरा हाइड्रेशन बैग, जो कि मैं अपनी राइड के दौरान पानी, इसमें 2 लीटर पानी आता है, मैं अपनी जैकेट पे यूज करता हूँ और इसके थ्रू मैं पानी सक्शन होता है और मैं आराम से राइड के दौरान अपने आप को हाइड्रेट करता रहता हूँ। वहां पर आपको पानी की बहुत जरूरत आती है, और जब मैं कैंप में होता हूँ तो ये मेरा वाटर टैंक भी बन जाता है, मैं इसको इजीली कहीं पर भी कैरी करके और इसमें से टैप ऑन कर देता हूँ इसको निकाल के, तो ये एक तरह से टूटी का काम करता है, जैसे नलखे का काम करता है, तो हम बर्तन वर्तन भी धो लेते हैं। तो इसको भी 2 लीटर का है, ये भी बहुत यूजफुल है। ग्लव्स में मैं अपने राइनोक्स के ग्लव्स यूज करता हूँ, एयर, ये राइनोक्स एयर है, तो ये ग्लव बहुत ही अच्छे हैं। हाँ थोड़े से इसमें ठंड अंदर जाती है, पर अब मैं अंदर वार्मर भी, वार्मर ग्लव्स आते हैं वो मैं यूज करता हूँ। तो अब दोस्तों दिखाता हूँ, मैंने ड्रोन जो कैरी करता हूँ अपने साथ, ये ड्रोन कैरी करता हूँ, ये गरुड़ है, इंडियन, मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया है, मैं गरुड़ यूज करता हूँ, साइपर नाम है, साइपर 1। तो मैं हमेशा इसको, इसके साथ 2 कैमरे, एक 180p मेन जो है 180p का है, और जो सेकेंडरी इसका कैमरा है वो 720 पिक्सल का है, तो इससे अच्छा फोकस हो जाता है। तो लद्दाख में मैं कुछ ड्रोन शॉट इसी से लेता हूँ, साइपर से। मैं DJI का, वो काफी लोग DJI कैरी करते हैं, तो थोड़ा कॉस्टली है, पर अगर आपको हल्के फुल्के शॉट लेने हैं, आप प्रोफेशनल नहीं हो, क्योंकि ड्रोन उड़ाना भी एक आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा हैक्टिक होता है इसको उड़ाने में, और इसके काफी शॉट्स बाकी अच्छे हैं, तो ज्यादा अच्छी रेंज पे नहीं लेके जाते, पर इसको मिनिमम जगह पे उड़ा लेते हैं, और आधा किलो से नीचे है तो उसकी कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती और इजीली मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, उसमें कोई मेरे को कोई रोकता नहीं है। बाकी हाफ केजी के ऊपर का रूल है, इसलिए ड्रोन का भी इजी, आप ड्रोन देख के ही ले जाए कि आपका कितना वेट है ड्रोन का। अब आइए दोस्तों दिखाता हूँ आप गियर्स अपने। देखिए दोस्तों मैं SJKM 6 लेजेंड यूज करता हूँ, एक कैमरा मैं माउंट अपने कैमरे हेलमेट में माउंट करके भी ले जाता हूँ, और
दूसरा यूज करता हूँ अकासो, ये मैं अपने हेलमेट में यूज करता हूँ, अकासो V50 प्रो है मेरे पास, मैं इसको हेलमेट में माउंट करता हूँ और इसको मैं व्लॉगिंग के लिए शूट करता हूँ, जिसमें मेरा माइक है अटैच करा हुआ है और ये मेरा इसमें एक्सटर्नल माइक है जिससे मैं अपना व्लॉग कर लेता हूँ। दूसरा मैं V6 यूज करता हूँ, इंटरकॉम मेरा V6 है जो जिसमें मैं अपने 4 राइडर्स यूज कर लेता हूँ, वैसे V6 है 6 राइडर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, वायरलेस इसकी रेंज है 1200 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर थोड़ा ऊपर यूज करता है, तो एक ये यूज करता हूँ। इसका बैटरी बैकअप भी कम से कम 2 वीक्स का है, यानी कि 14 डेज का, एक बार 100% चार्ज होने के बाद ये 2 वीक्स आराम से सर्वाइव करता है। दूसरा ब्लॉगिंग के लिए मैं JBL का माइक यूज करता हूँ, ये है JBL का माइक, इसकी जो ये है 4 मीटर की है और ये बहुत ही सुंदर माइक है, इसमें आप हर चीज का वो लगा सकते हो, तो इसका भी प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। JBL का माइक काफी लंबा है, स्टिक पे लगा के मैं काफी दूर तक इसकी वायर चली जाती है, कम से कम 3 मीटर की होगी तो आराम से यूज होता है। दूसरा मेरा अकासो का ये वाटरप्रूफ केस है जो कि मैं यूज करता हूँ, तो ये इसका वाटरप्रूफ केस है। अब आता हूँ दोस्तों, मेरा इसकी जो चार्जिंग होती है वो होती है इसके थ्रू, इसमें मैं बैटरियां यूज करता हूँ SJ कैम की, 2 बैटरी, एक इसमें लगी हुई है एक इसमें है और एक मेरी अभी संभाली हुई है, मेरे को याद नहीं है कहाँ पर है, तो मैं इससे एट अ टाइम चार्ज कर लेता हूँ। और इसका जो चार्जिंग है वो आप कोई भी इससे यूज कर सकते हो, जो सी चार्जर आता है तो मैं सी चार्जर से यूज कर लेता हूँ, या तो फिर मैं माइक्रो USB चार्जर से भी चार्ज कर लेता हूँ ये इसमें ऐसे लग के, और मैं बाइक के दौरान यूज कर लेता हूँ, चार्ज कर लेता हूँ। दूसरा जो आपका V6 है, V6 का चार्जर भी मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ, ये इसमें लग के चार्ज हो जाता है, तो इसको भी कैरी करता हूँ वायर में। और एक मैं वायरलेस माइक यूज करता हूँ डिजिटेक का, ये है डिजिटेक का वायरलेस माइक, ये भी यूज करता हूँ, इफ इन केस कई बार ऐसा दौड़ना भागना पड़ता है तो वायर में फंसने का रिस्क होता है, या हम कहीं ढलान वलान पहाड़ी के ऊपर थोड़ा चढ़ते हैं देखने के लिए व्यू, तो हम वायरलेस माइक यूज करते हैं उस टाइम पे। दूसरा मैं अर्बोनिक का पावर बैंक यूज करता हूँ जो 20,000 mAh का है, अर्बोनिक का आज तक का, और इसका जो ग्रिप है बहुत रबड़ वाली है तो इजीली ये फिसलता नहीं है और बहुत सेफ है, और चार्जिंग इसकी बहुत ही हाई है, बहुत हाई स्पीड में चार्ज करता है। दूसरा एक गोरिल्ला ट्राइपॉड यूज करता हूँ मैं ब्लॉगिंग के लिए, जिसको मैं कहीं भी सेटल कर लेता हूँ, तो गोरिल्ला ट्राइपॉड भी यूज करता हूँ। एक ये एक्शन प्रो का मेरा मोबाइल का है, मोबाइल की भी यूज करता हूँ। और फाइनली मेरा ओस्मो का, सॉरी DJI का है, आप देख सकते हो ये DJI का है और मैं इसको यूज करता हूँ, इसकी भी चार्जिंग अच्छी है, साथ में साथ ये मोबाइल को भी चार्ज कर देता है, और इसका भी बैकअप अराउंड कम से कम 48 आवर्स का है, लगातार कंटिन्यू यूज करोगे 48 आवर आराम से यूज होता है। और ये इसका सबसे बेस्ट पॉइंट ये मैग्नेटिक है, ये देखिए मैग्नेटिक है बहुत आराम से, और ये देखिए पूरा मेटल है और इसको ज्यादा टेंशन नहीं होती, ये देखिए प्रॉपर एकदम अटैच हो जाता है अपनी जगह पे, तो मैग्नेटिक होने के कारण बहुत इजी रहता है, इसको ऐसे करके मैं निकाल लेता हूँ और कहीं भी जाके इसको फोल्ड कर देता हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। और फोल्डेबल है ये भी, इसका रिमूव हो जाता है दोस्तों तो ये बहुत छोटा हो जाता है, इसको ईजी होता है कैरी करने के लिए। तो सो फाइनली दोस्तों आज मैंने आपको सारा अपना इक्विपमेंट दिखा दिया है जो कि मैं कैंपिंग गियर्स यूज करता हूँ हर बार लद्दाख राइड में, जूनी लद्दाख में यूज करता हूँ मैं, अदर भी जब कहीं लंबी राइड पे जाता हूँ जिसमें 4-5 दिन तो उसमें यूज करता हूँ इन चीजों को, तो ये मेरी बेसिक चीजें हैं और आपकी भी बेसिक नीड्स हैं तो आपको ये यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।